इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मोस लॉजिक फैमिली है और इसमें एन मोस और पी मोस दोनों का यूज़ करते हैं। तो ये है हमारी अब कम्प्लीमेंट्री, सही है, कॉम्प्लीमेंट्री मोस लॉजिक। तो इससे हम अब लॉजिक गेट डिज़ाइन करेंगे। तो सिर्फ इसमें लॉजिक गेट डिज़ाइन करने हैं, बाकी इससे हम जितने भी हमारे आईसी वगैरह हैं सब इसी से ही, हम सी मोस से ही डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। इसका एक रीज़न है, रीजन चलो बाद में डिस्कस करेंगे, पहले स्ट्रक्चर इसका समझ लेते हैं किस तरह का है। तो एक है इसमें पुल अप नेटवर्क, पुल अप नेटवर्क, और उसके बाद है पुल डाउन नेटवर्क, पुल डाउन नेटवर्क है ना। और ये कनेक्ट है वाई से, और ये कनेक्ट है वीडीडी से, और ये कनेक्ट है ग्राउंड से। तो ये आउटपुट हो गया, और ये जो कॉमन है ये इनपुट, तो इनपुट जो है वो दोनों में कॉमन रहते हैं, ठीक है। तो पुल अप नेटवर्क का जो रोल है यहाँ पर है वो है कि आउटपुट को अप करना है ना, वीडीडी से कनेक्ट करना, स्विच करने, ये है स्विच ही बेसिकली, क्योंकि इन ई मोसफेट जो है बेसिकली स्विच ही है। और पुल डाउन का काम है, पुल डाउन नेटवर्क का, कि जो आउटपुट है उसको डाउन करना, यानी ग्राउंड से कनेक्ट करना, ठीक है। तो लेवल कुछ भी सेट कर सकते हैं, अगर आप उसको जीरो पे नहीं ग्राउंड करना, मतलब आप नहीं चाहते कि आपका जो आउटपुट है वो जीरो के अराउंड आए, वो सपोज़ करो 1 वोल्ट के अराउंड आए, तो यहाँ पर फिर इसको यहाँ पर 1 वोल्ट देंगे, ठीक है, इधर भी। और अगर चाहते हैं कि जीरो से नीचे आए तो इस पर नेगेटिव दे दो, तो इस तरह का है। तो लेवल जो सेट करना है वो डिसाइड हो जाता है कि आप सप्लाई पे क्या दे रहे हैं। अच्छा, अब दूसरा काम है जो पुल अप नेटवर्क जो है, ठीक है, ये बनता है पी मोस से, जो पुल डाउन नेटवर्क है वो बनता है एन मोस से। तो अब ऐसा क्यों बनाते हैं, एक तो पहले तो ये है कि जो पुल अप नेटवर्क के लिए पी मोस का जो फंक्शनिंग है बेसिकली वो अप में ही होती है और एन मोस की नीचे ही होती है, ठीक है। जैसे कि हमने इसमें पी मोस और एन मोस में दोनों डिज़ाइन में हमने देखा कि एन मोस को नीचे लगाया, ऊपर लगाते तो जो इनपुट दे रहे वही आउटपुट पे आ रहा था, ऐसे ही पी मोस के साथ, अगर पी मोस को नीचे लगाते हैं है ना, आउटपुट के नीचे, जो बीच में सेंटर में आउटपुट है कि उसको वीडीडी से कनेक्ट करना है या उससे करना है, बेसिकली स्विच है ना, दो स्विच हैं, या तो रेसिस्टर की हेल्प से ले लेते हैं या दोनों अलग अलग हमने यहाँ पर स्विच लगाए हुए हैं। तो पुल अप नेटवर्क में पी मोस और इसमें एन मोस, एन मोस जो है ये देता है स्ट्रॉन्ग ज़ीरो। तो इसमें मैंने वीडियो डाली हुई है तो उसको भी देख सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले स्टूडेंट हैं तो स्पेशली आप देख लें, स्ट्रॉन्ग ज़ीरो। और पी मोस जो देता है वो देता है स्ट्रॉन्ग वन। अब स्ट्रॉन्ग वन कैसे देता है, स्ट्रॉन्ग वन का मतलब है नियर अबाउट 5 वोल्ट, ठीक है, और स्ट्रॉन्ग जीरो का मतलब है नियर अबाउट 0 वोल्ट। अगर 0 वोल्ट, अगर सपोज़ करो 1 वोल्ट के आसपास आ रहा है तो उसको बोलेंगे वीक जीरो, और अगर सपोज़ करो 4 वोल्ट के आसपास आ रहा है तो उसको बोलेंगे वीक वन, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग वन है नियर अबाउट 5 वोल्ट और स्ट्रॉन्ग जीरो है नियर अबाउट 0 वोल्ट। तो थोड़ा बहुत होता है कि यहाँ पर थोड़ा सा बेसिकली जो है तो सेमी कंडक्टर ही, उसमें करंट फ्लो होगी तो उसका कुछ रेसिस्टेंस भी होगा, तो वहाँ पर कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा, है ना, ठीक है। अब इससे हम आते हैं लॉजिक गेट पे। तो सबसे पहले हम बनाते हैं इन्वर्टर, तो ये सोर्स है जो हमारा पी मोस है उसका, और ये वीडीडी, और उसके ड्रेन से कनेक्ट है आउटपुट, और फिर एक ड्रेन है एन मोस का, ठीक है, और उससे भी कनेक्ट है आउटपुट के साथ। तो यहाँ पर ड्रेन टर्मिनल है, इसका ड्रेन टर्मिनल है, ये गेट टर्मिनल है पी मोस का, ये ऊपर वाला पी मोस है, और ड्रेन और यहाँ पर सोर्स, और इसको ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया, और इन दोनों को टाइट टुगेदर करेंगे और इस पर देंगे इनपुट, ठीक। अब इसकी वर्किंग समझ लेते हैं, एक्स को जब हम जीरो देंगे, ठीक है, तो जीरो दिया तो यहाँ पर भी जीरो आया और इस पर भी जीरो आया, सही है। तो जीरो वोल्ट पे अगर इसको देखा जाए तो वही जैसे कि हमने वर्किंग पी मोस की देखी थी, कि यहाँ पर अब हमने गेट पर जो है नेगेटिव वोल्टेज दी हुई है, तो नेगेटिव वोल्टेज दिए तो ये करेगा कंडक्ट, ठीक। और इस पर हमने जो है 0 वोल्ट दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर कंडक्ट कर रहा है, तो इसके रिस्पेक्ट में देखा जाए तो इस पर भी हमने, अगर ये कंडक्ट कर रहा है ऊपर वाला पहले, तो इसको भी देखा जाए तो इस पर भी नेगेटिव वोल्टेज है, तो नेगेटिव वोल्टेज पे यहाँ पर ये क्या है, चैनल इस्टेब्लिश नहीं होता है, तो चैनल इस्टेब्लिश नहीं होगा तो ये हो जाएगा कट ऑफ में, ठीक है। तो ये कट हो गया, तो आउटपुट जो है कनेक्ट हो गया वीडीडी से, तो आउटपुट आया वाई, हमारा जो एक्स इक्वल्स टू जीरो पे वाई की वैल्यू आई 1, ठीक। अब हम देते हैं एक्स की वैल्यू को 1, तो इस पे 1 देंगे, इस पे 1 देंगे, तो 1 देंगे तो यहाँ पर ये नो बायस हो जाएगा, तो नो बायस हो जाएगा, ये हो जाएगा कट ऑफ में, ठीक है। और इस पे हमने जब 1 दिया है तो ये हो जाएगा हमारा
ये ऑन हो जाएगा, तो ऑन होगा तो ये वाई को कनेक्ट कर देगा किससे, ग्राउंड से, तो आउटपुट हमारा एक्स इनपुट अगर हमने दिया 1 तो आउटपुट हमारा आया 0। तो ये इस तरह इन्वर्टर का फंक्शन है। ठीक, अब इसको मैं, अब सेम स्ट्रक्चर है बिल्कुल, पुल अप नेटवर्क और पुल डाउन नेटवर्क की ही। ठीक है, अब हमें बनाना है, सपोज करो हमें बनाना है नोर गेट। तो नोर गेट के लिए जैसे कि हमने पीमोस में नोर गेट बनाया था, तो पीमोस का जो पार्ट है वो नोर गेट का, उसको ले लो। ठीक है, ये वीडीडी से कनेक्ट कर दिया है, ये इसका सोर्स पॉइंट है। ऐसे ही फिर एक दूसरा लग जाएगा इधर सीरीज में, और ये थोड़ा मैंने गलत बना दिया है, ये है, क्योंकि ये जो सिंबल है बेसिकली, ये सिंबल है, तो ये सिंबल ये बताता है कि ये उससे फिजिकली कांटेक्ट में नहीं है। ठीक है, तो बीच में है सिलिकॉन ऑक्साइड की लेयर, तो इसलिए ये गैप है। सही है, तो यहाँ पर जो भी दे रहे हैं वो उसका हमारा इससे कुछ लेना देना नहीं है, तो इसलिए ही इसका जो रेसिस्टेंस है, जो इनपुट रेसिस्टेंस है, वो बहुत हाई होता है, क्योंकि कोई करंट तो ये ले ही नहीं रहा होता है ना, तो इसलिए इसका रेसिस्टेंस हाई है, इनपुट रेसिस्टेंस। तो एक यहाँ पर है, और फिर हमारा यहाँ पर कनेक्ट है आउटपुट वाई, और फिर जो हमारे एनमोस हैं वो लगेंगे पैरेलल में। ठीक है, तो अब सपोज़ करो मैंने यहाँ पर इस पे कनेक्ट किया हुआ ए, तो ए के इधर है, इसको ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं, एक बी इधर है तो एक बी इधर है, और फिर इन दोनों को ग्राउंड से कनेक्ट किया हुआ है। तो ये जो हमारा है सर्किट, सही है, तो ये हमारा वर्क करेगा नोर की तरह। तो ये है ए प्लस बी बार। ठीक, ये नोट गेट, ये नोर गेट बन गया हमारा। अब इसकी अगर आपको फंक्शनलिंग चेक करनी है, तो एक्स की वैल्यू लेते हैं हम, यहाँ पर एक्स, यहाँ पर ए है और यहाँ पर बी है, ए और बी, और इधर लिया है वाई, तो ए बी को दिया 0 0। तो जब 0 0 देंगे तो ये दोनों कंडक्ट करेंगे, ये दोनों कंडक्ट नहीं करेंगे, तो कंडक्ट करेंगे तो इसका मतलब वाई जो आएगा हमारा 1 आएगा। अब दिया 0 1, तो एक कंडक्ट करेगा एक नहीं कंडक्ट करेगा, है ना, तो कंडक्ट नहीं करेगा तो वी डी डी से कनेक्ट होगा नहीं, तो आउटपुट डेफिनेटली 0 ही आएगा। 1 0 दोगे तब भी 0 ही आएगा, 1 1 देंगे तब भी 0 ही आएगा। ठीक है, तो ये ट्रुथ टेबल बन गई ए प्लस बी की, ए प्लस बी बार यानी नोर की। अब इसको हम नैंड से, नैंड इम्प्लीमेंट करते हैं, तो नैंड इम्प्लीमेंट में वही है जो पीमोस का और एनमोस का, जो नैंड है उसमें रेसिस्टर हटा दो, पीमोस लगा दो। ठीक है, या पीमोस का उस दोनों को अगर हम क्लब करेंगे, पीमोस और एनमोस के नैंड गेट को, तो रेसिस्टर दोनों में से वो हट जाएगा और उनकी जगह ही आ जाएंगे। तो उसको अब क्या करना है, यहाँ पर इनको लगाएंगे हम पीमोस को पैरेलल में, और इसको टाई टुगेदर वी डी डी से कर दिया। और उसके बाद यहाँ पर जो है वाई दे दिया इधर और सेंटर पॉइंट पे, और इधर हमने लगा दिया एन मॉस। तो ये हमारा ए, ये हमारा बी, एक इनपुट है यहाँ बी, इन दोनों का आपस में कनेक्ट भी करके लगा सकते हो। ठीक है, तो अब इसकी फंक्शन देख लेते हैं, इसकी ट्रुथ टेबल। अब ए है हमारे पास, बी है और वाई है, 0 0 देंगे तो 0 0 देंगे, दोनों कंडक्ट करेंगे। ठीक है, तो इनमें से कोई सा भी ऑन रहेगा तो कंडक्ट होगा, और जब दोनों ही ऑफ रहेंगे तो दोनों ऑफ एक ही कंडीशन में रहेंगे 1 1 पे, तभी ये कंडक्ट नहीं करेंगे दोनों, और तभी ये वाई जो है वी डी डी से कट ऑफ हो जाएगा। तो कहने का मतलब है जब तक उसको 1 1 नहीं दोगे तब तक वाई कंडक्ट करेगा, यानी 0 0 पे भी 1 आएगा, 0 1 पे भी 1 आएगा, 1 0 पे भी 1 आएगा, और 1 1 पे जब ये दोनों ऑफ हो जाएंगे तब ये आउटपुट 0 आएगा। ठीक है, सिंपल सी वर्किंग है। तो ये है इसका नैंड गेट। ठीक, और ये इसका फंक्शन बना वाई इक्वल्स टू ए डॉट बी बार। तो ये है हमारी मोस फैमिली के बारे में, इससे कैसे हम गेट डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, तो जो भी हमारा डिजिटल आईसी पे जितना भी काम है अब वो सीमोस से डिज़ाइन होता है बेसिकली। ठीक है, चलिए इसको यहीं रोकते हैं।